तो उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दिया, उससे पारिवारिक विछोह की भी स्थिति बनी और एक जो सामाजिक फैब्रिक था वो भी इसमें डिस्टर्ब हुआ। तो अब हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से, एमजीएसए के माध्यम से, इसको हम पुनर्जीवित जब इन स्ट्रक्चर्स को करेंगे और गांव वालों की मदद से एक जन अभियान के रूप में करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको इस वो वापस बरकरार हो। मैं यहाँ पर अभियान से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनके लिए समस्त यहाँ उपस्थित अधिकारी और जिनके निर्देशन में जो मंच पर भी हैं, उन सब के निर्देशन में तो कार्य चल ही रहा है, उन सब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप ही के मेहनत का परिणाम है, सामने आ रहा है, और इसमें सभी जुड़े अधिकारियों, कलेक्टर्स, तकनीकी टीमों के माध्यम से जो सफलता हासिल हुई है वो बहुत साधुवाद की बात है। उन सबको इस पे लगाते हुए और अधिक बेहतर तरीके से उसको करें। वर्तमान में तृतीय कार्य चरण के कार्य प्रगति पर हैं, जून 2018 तक उनको पूरा करना है। परसों जब हमने वेद्र साहब के साथ मीटिंग करी थी, उनका कार्य तो टाइम बाउंड है, बारिश से पहले हमको पूर्ण करना है। सभी संभागीय आयुक्त से भी निवेदन है कि वो प्रगति की नियमित समीक्षा करें। मैम, एक चीज जो हमारे ऑफ कंस्ट्रक्टेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, बन तो गए स्ट्रक्चर लेकिन अगर उनको हमने फिर छोड़ दिया, मॉनिटरिंग से हम इसकी अनुपालना भी सुनिश्चित करेंगे। एक बात और आती है कि जो दो चरणों की सफलता की सैकड़ों कहानियां हैं उनको जिला स्तर पर संकलित करके और स्थानीय मीडिया में प्रकाशित दर्शन। थैंक यू सर। राष्ट्रीय जल नीति 2012, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो अभियान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सफल कार्य करने के बाद राजस्थान की जल क्रांति को दिशा हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया, ऑल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीईओस, ऑल अदर ऑफिसर्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आपने निर्देश दिया था राजस्थान का पानी के बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए आप। उस समय बहुत बार डिस्कशंस मैम ने बहुत समय दिया हमको, और आपका निर्देश तीन कैटेगरीज में था। पहला कैटेगरी था बॉटम अप अप्रोच, विलेज लेवल प्लानिंग होना चाहिए, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, एंड हर विलेज को आत्मनिर्भरता से पानी के विषय पर जीना चाहिए। वो आपका निर्देश था मैम। पानी का उपलब्ध भी पानी नहीं है उधर ले जाने के लिए कैसे कनेक्ट करें, वो दूसरा आपका निर्देश था मैम। तीसरा आपका था मैम एक स्टेट वाटर ग्रिड बनना चाहिए, इंटेलिजेंट वाटर ग्रिड होना चाहिए, टच स्क्रीन से ग्राम पंचायत लेवल तक, जिस टच स्क्रीन से आपको इस विलेज में पानी चाहिए तो किधर से लेके जा सकते हैं, बेस्ट पीसी रेशियो वर्क्स मैम। एक्टिविटीज वी हैव डन विल बी डन बाय जून 30th। एंड मैम फेज वन का इम्पैक्ट असेसमेंट अगर आप देखेंगे तो एवरेज इंक्रीज नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में 4.6 फीट हुआ है। ये नंबर ऐसे आसानी से नहीं हुआ है, सुबह 2 घंटे हम टेक्निकल सत्र किया है मैम। हमने थर्ड पार्टी सर्वे से हम काम करना शुरू कर चुके हैं मैम, और फोर्थ चरण जो है जैसे 4 वी आर ऑन टारगेट, 16,000 विलेजेस हम एमजीएसए 4 तक हम करने वाला है। मैम आप जानते हैं कि वाटर रिसोर्सेस हो, DOLR हो, एनी नाबार्ड, एनी ऑर्गेनाइजेशन, दे टुडे आपका प्रेजेंस इधर सबको और मोटिवेशन देगा। नया जो फेज हम लेने वाला है उसके लिए भरपूर काम करेंगे मैम। दूसरा आपका निर्देशन था मैम नदियों को जोड़ने का, जैसे हमारा IGNP है वेस्टर्न राजस्थान के लिए, ईस्टर्न राजस्थान के लिए हमने एक प्रपोजल तैयार किया, ईस्टर्न राजस्थान के नाल प्रोजेक्ट। इसका चंबल का जो पानी है हम इकट्ठा करके वो नदियों को जोड़ते हैं, पीने के लिए पानी हम देने का उसमें DPR में शामिल कर चुके हैं मैम। 120 TMC ऑफ वाटर हम करेंगे मैम उसमें, और 400,000 हेक्टर का नया खेती होगी। एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड मैम, देश में नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट्स हैं वाजपेयी जी के जमाने पे से वो प्रोजेक्ट्स का DPR बन चुके हैं मैम। पिछले 15 साल में हमारा DPR 1.5 साल में हम कर चुके हैं मैम। आपके मार्गदर्शन भी एक के बाद एक
आपका मार्गदर्शन में, आपका लीडरशिप में अगर यही काम जाते रहे आगे, तो हम दिस कुड बी द फर्स्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट इन द कंट्री दैट कुड बी टेकन मैम। अगेन जैसे एमजेएस एक रोल मॉडल बना है, नदियों को जोड़ने का में भी राजस्थान का पहला ये हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन का, अगर सब कुछ जो प्लान है ऐसा चले। में अपने पुरसाद से और जिन धन में से कुछ धन देकर जल है तो कल है, इस भावना से इस काम को आगे करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि हमारा राष्ट्र ब्लॉक्स लगातार डार्क जोन में जाते चले गए और आज भी जो हमारे सामने स्थिति है निश्चित तौर पर चिंतनीय स्थिति है। आज भी 295 ब्लॉक्स में से 100, बल्कि इसको प्राकृतिक संपदा मानते हुए इसको संचोया जाए। और इस काम को मुख्यमंत्री जी आपने आगाज किया था, मुझे याद है वो दिन 27 जनवरी का दिन 2016 के अंदर, और आपने उस वक्त भी कहा था संगम जागर होगा और उसमें से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जुड़ेगा, अभियान के साथ जन जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों में एक जागरूकता आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये तीसरा चरण जिस चरण का हम शुभारंभ कर चुके हैं, इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के किसी न किसी चिन्ह आज मौजूद है, काम चल रहा है और प्रसन्नता है, काम हो भी सकता है, परंतु थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके और जिस प्रकार गुणवत्तापूर्ण काम हुआ, एक करौली जिले के अंदर अतिवृष्टि को छोड़कर कुछ हमारे जल ग्रहण ढांचे जरूर गुणवत्तापूर्ण के काम हुआ है। आज भी पिछली बरसात के अंदर सारे हमारे जल ग्रहण ढांचे लबालब भरे और इस तीसरे चरण के अंदर भी निश्चित तौर पर जब 1,60,000 जो ढांचे हैं, अभी मुख्य सचिव महोदय ने जो पर हरित राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करने के लिए इसके साथ जो वृक्षारोपण का काम किया, आज 88 लाख वृक्षारोपण बढ़ना चाहिए। और प्रसन्नता की बात यह है कि अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर हमारे इस अभियान की चर्चा हुई और परसों की बैठक में हमारे इस अभियान के सचित्र जो काम हुए उनको ज़्यादा दिखाया गया पूरे देश के मुख्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और मुझे तो वो समय भी याद है उदयपुर में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में ब्रिक्स के सम्मेलन के अंदर भी हमारे विदेशी मेहमानों ने जितनी इसकी प्रशंसा की और दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति महोदय ने उस वक्त घोषणा की हम अपने इस देश के अंदर इस अभियान को चलाएंगे और हमसे सारे जो उस वक्त दस्तावेज लेकर गए, आज दक्षिण अफ्रीका के अंदर हमारा चलाया हुआ अभियान वहां भी इस अभियान की शुभारंभ हो चुकी है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने भी आज जो जिसमें बड़े बड़े न्यायाधीशपति बैठते हैं उसने भी राजस्थान सुनी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना, अगर कोई पूरा करने का काम कर रहा है तो आपके नेतृत्व में राजस्थान कर रहा है। टीआरसीपी जो 13 जिलों के लिए जीवन दायिनी बनेगी निश्चित तौर पर, कागजों से निकलकर डीपीआर बन जाना और चंद समय में बन जाना, इस बात को दर्शाता है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजस्थान चलेगा, जन चलेगा, हम सब लोग चलेंगे। और इस सभागृह के अंदर हमारे एम्बेसडर के रूप में जो लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जहां जहां ये कार्यक्रम चल रहा है अगर सप्ताह में एक दिन भी आप लोग वहां जाकर उसको देखना प्रारंभ कर देंगे तो एक नई जन क्रांति जिसके लिए इस अभियान का संचालन किया गया था, इस सरकारी कार्यक्रम होता था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम होता, क्योंकि इसके साथ अभियान जुड़ा और अभियान के साथ जन जुड़े, इसके लिए आप और हम सब लोग मिलकर कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इसमें जल स्वावलंबन अभियान का कितना इम्पोर्टेंस रहा होगा तो यहाँ पे लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज भी थे जो भी जल स्वावलंबन के माध्यम से और दूसरे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इसको टैकल किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें एक जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया वो जल मंदिर, लोगों को जल स्वावलंबन अभियान से जोड़ने के लिए एक जल मंदिर की परिकल्पना की गई जिसमें लोग रिलीजियसली भी इससे जुड़े और पानी को यहाँ